एवरीवन, दिस इज़ एन एम वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस स्टडी करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो याद रखना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं आज के इस सेशन में। तो आपको इस सेशन को अच्छे तरीके से देख लेना है, और उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये आपका 6 नवंबर को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो जिसके लिए यहाँ पर हम आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, जिसमें हम आपको लाइव क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं। लाइव सेशंस आपको देखने मिलते हैं मराठी में रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। देन उसके बाद वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और रिविजन पीडीएफ, ये सारा जो कंटेंट है, ये सारा कंटेंट हम आपको 3 लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करते हैं, हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज इन मराठी। 3 लैंग्वेजेस में सारा कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं विथ 100% गारंटी, और काफ़ी मिनिमम प्राइस में गारंटीड कोर्स है। यानी यहाँ पर हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। सो याद रखना है, आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लेते हैं, बस आपको जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है, जो हमारे हम आपको जिस तरीके से गाइड करते हैं, बस आपको उसको फॉलो करना है। तो उसके लिए आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना होगा। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। जी, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है, नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशन बाकी है। एंड 1500+ एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप वन क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आर टी टेस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट टू यूज? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ओके, सो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? जहां पर हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ अज्यूम करते हैं, या फिर हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मालूम होता है। ओके, अब आप बोलोगे कि टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट क्यों होती है? ओके, सो टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट इसलिए होती है बिकॉज हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमें पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल है मीन्स पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। ओके, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा, और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसे हम कहते हैं बेल शेप्ड कर्व। ओके, मीन्स हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन का जो डेटा है किस तरीके से स्प्रेड है। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं। सो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं, व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल। सो यस, हियर ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज टी टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमारा सैंपल साइज छोटा होता है। अब यहाँ पर सैंपल मीन्स वॉट? जैसे हमने देखा था कि जो लार्ज पॉपुलेशन होती है, रिसर्चर पूरे पॉपुलेशन पर रिसर्च नहीं करते हैं बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। सो रिसर्चर पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट होता है और सबसेट होता है, इस पार्ट पर रिसर्चर रिसर्च करते हैं, जिसे हम सैंपल कहते हैं। ओके, तो सैंपल साइज छोटा होना चाहिए, मतलब सैंपल साइज हमारा लेस देन 30 होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए, तब हम टी टेस्ट यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। So yes, here option B is also correct because
जब हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन होता है, मीन्स पता नहीं होता है, तब भी हम टी टेस्ट यूज करते हैं। अब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स व्हाट, कि पॉपुलेशन किस तरीके से स्प्रेड है। जैसे आप ग्राफ में देख रहे हो पॉपुलेशन किस तरीके से स्प्रेड है, या पॉपुलेशन इस तरीके से स्प्रेड है, या फिर पॉपुलेशन कितना स्प्रेड है, ये देखने के लिए। और जब हमें ये पता नहीं होता है तब हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। ओके, सो हियर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बिकॉज ऑप्शन ए और बी दोनों भी केस में हम टी टेस्ट का यूज करेंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जी टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट जी टेस्ट। सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स, जी टेस्ट भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, जहां पर हम अज्यूम करते हैं कि हमारा यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन का जो डिविएशन होगा ये भी नॉर्मल होगा। मीन्स यहाँ पर भी पॉपुलेशन का जो डिविएशन होगा ये कुछ बेल शेप्ड होगा, ओके, और नॉर्मल होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जी टेस्ट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए गिवन है, व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज। सो यस, हियर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि जी टेस्ट में सैंपल का जो साइज होता है हमारे लार्ज होता है, मीन सैंपल का साइज आपके 30 से ज्यादा होगा तब हम जी टेस्ट यूज करेंगे। जहां पर हमने टी टेस्ट में देखा था कि हमारा जो सैंपल का साइज होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल मीन्स आपका जो सैंपल का साइज होगा वो 30 से कम होना चाहिए, तब हम टी टेस्ट यूज करेंगे। जब हमारा सैंपल का साइज 30 से ज्यादा होगा तब हम जी टेस्ट यूज करेंगे। ओके, देन ऑप्शन बी हमें गिवन है, व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन। ओके, अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता होगा तभी आप जी टेस्ट यूज करेंगे। ओके, मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर आपका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का डेटा कितना स्प्रेड है, पॉपुलेशन आपकी कितनी स्प्रेड है, अगर आपको ये पता होगा तभी आप जी टेस्ट का यूज करोगे। सो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है अबाउट जी टेस्ट। देन ऑप्शन सी, यूज टू कंपेयर पॉपुलेशन मीन टू सैंपल मीन। अगेन यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट है। सो जी टेस्ट का हम यूज करते हैं पॉपुलेशन के मीन को और सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए। सो हम जी टेस्ट में पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन क्यों कंपेयर करते हैं, बिकॉज ये देखने के लिए कि जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मीन और जो सैंपल है, सैंपल का मीन के सेम आ रहा है या नहीं, कि आपने जिस पॉपुलेशन का सैंपल लिया है वो क्या पर्टिकुलर उसी पॉपुलेशन का सैंपल था या नहीं, ये देखने के लिए हम जी टेस्ट में पॉपुलेशन के मीन को सैंपल के मीन से कंपेयर करते हैं। सो हियर ऑप्शन सी भी करेक्ट है अबाउट जी टेस्ट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी वॉन्ट्स टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग। फॉर दिस द कंपनी टेक्स अ प्लेसिबो फेड ग्रुप एंड द ड्रग प्रिस्क्राइब ग्रुप। Assume that the sample size is 20. Which of the following test would the company use to test the drug? So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, और इस एग्जाम्पल में ये गिवन है कि एक कंपनी है, कंपनी को एक ड्रग की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करना है। सो यहाँ पर इस कंपनी ने 20 लोगों का सैंपल लिया है, जहाँ पर रिसर्चर कुछ लोगों को ड्रग देंगे और कुछ लोगों को एक टॉफी प्रोवाइड करेंगे, ओके, जिसको हम प्लेसिबो बोलते हैं। तो यहाँ पर रिसर्चर को ये जानना है, ये टेस्ट करना है कि ये ड्रग का इफेक्टिवनेस क्या होगा, ड्रग लेने से कि कितने लोग क्योर हो रहे हैं। सो ये टेस्ट करने के लिए, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर किस टेस्ट का यूज करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सैंपल साइज जो है 20 है। सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स, जब भी हमारी सैंपल साइज लेस देन 30 होती है, तो यहाँ पर लेस देन 30 है, 20 गिवन है हमें, और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन नहीं होता है, तो इस केस में हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर इस ड्रग को टेस्ट करने के लिए टी टेस्ट का यूज करेंगे। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट, अ टीचर वॉन्ट्स टू कंपेयर द आईक्यू ऑफ स्टूडेंट्स इन हर मैथ क्लास द सैंपल टू स्टूडेंट्स इन द अदर मैथ क्लासेस थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज 48,
विच टेस्ट विल टीचर यूज। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगेन हमको एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल को और इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टीचर किस टेस्ट का यूज करेगी। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें ये गिवन है कि एक टीचर है, उस टीचर को स्टूडेंट्स के आईक्यू लेवल को कंपेयर करना है। सो यहाँ पर टीचर ने उन्हीं के स्टूडेंट्स जो कि मैथ्स क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के स्टूडेंट्स को लिया है विच इज सैंपल, और डिस्ट्रिक्ट के मैथ्स स्टूडेंट्स को लिया है विच इज पॉपुलेशन। सो यहाँ पर टीचर जो कि रिसर्चर है ये कंपेयर कर रही है बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। ओके, और हमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन में कि पॉपुलेशन का जो डिविएशन है ये 48 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होता है सो इस केस में हम जी टेस्ट का यूज करेंगे। सो यहाँ पर टीचर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जी टेस्ट का यूज करेगी। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जी टेस्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनोवा टेस्ट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एनोवा टेस्ट से रिलेटेड हमें किस ऑप्शन में करेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है। सो यहाँ पर एनोवा टेस्ट भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ओके, सो एनोवा टेस्ट में भी हम अज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगा, मीन्स पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, जो कि बेल शेप्ड कर्व होता है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगेन हमको फाइंड करना है कि एनोवा टेस्ट से रिलेटेड कौन से ऑप्शन में हमें करेक्ट ऑप्शन इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन ए में हमें गिवन है कि एनोवा टेस्ट स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सो यस, इट इज करेक्ट। रिमेम्बर, एनोवा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरियंस, जहां पर वेरियंस का मतलब होता है वेरियंस विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर जो होता है उसे हम कहते हैं वेरिएंस। ओके, देन ऑप्शन बी में हमें गिवन है इट इज पैरामेट्रिक इन नेचर। सो यस, अगेन यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट जो एनोवा टेस्ट भी पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। देन ऑप्शन सी, यूज टू कंपेयर मीन अमंग द थ्री और मोर ग्रुप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, जहां पर एनोवा टेस्ट में हम सैंपल्स के तीन या फिर तीन से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। ओके, सो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक टीचर है। ओके, और इस टीचर को समझ लो, मान लेते हैं हम यहाँ पर टीचर को तीन स्कूल है, स्कूल वन, स्कूल टू एंड स्कूल थ्री। यहाँ पर तीन स्कूल के बच्चों के आईक्यू लेवल का टीचर को टेस्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो तीन स्कूल है, मीन्स तीन सैंपल है टीचर के पास। सो यहाँ पर इस केस में इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टीचर यहाँ पर एनोवा टेस्ट का यूज करेगी। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज एनोवा टेस्ट का यूज हम कोई भी तीन सैंपल के ग्रुप और उससे ज्यादा ग्रुप को कंपेयर करने के लिए, उनके मीन को कंपेयर करने के लिए हम एनोवा टेस्ट का यूज करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल दी अबव। नेक्स्ट, एज अ क्रॉप रिसर्चर You want to test the effect of three different fertilizer mixtures on the crop yield. Which test will you use? So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवेन है जहां पर रिसर्चर को टेस्ट करना है कि थ्री डिफरेंट फर्टिलाइजर्स है और कौन सा फर्टिलाइजर क्रॉप के लिए अच्छा होगा। ओके, सो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर कौन सा टेस्ट यूज करेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें गिवेन है थ्री डिफरेंट फर्टिलाइजर मिक्सर, मीन्स यहाँ पर रिसर्चर के पास थ्री डिफरेंट फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर वन, फर्टिलाइजर टू एंड फर्टिलाइजर थ्री। सो जब भी हमारे पास या फिर रिसर्चर के पास तीन या फिर तीन से ज्यादा ग्रुप ऑफ सैंपल होंगे सो उस केस में रिसर्चर एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी है जी टेस्ट एंड टी टेस्ट। जैसा कि हमको पता है जी टेस्ट एंड टी टेस्ट में हम सिर्फ दो सैंपल ऑफ ग्रुप पर स्टडी करते हैं और एनोवा टेस्ट में तीन या फिर तीन से ज्यादा सैंपल पर हम स्टडी करते हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि एनोवा टेस्ट जो है ये जी टेस्ट एंड टी टेस्ट का एक्सटेंशन है। ओके, एनोवा ग्रुप इज एक्सटेंशन ऑफ जी टेस्ट एंड टी टेस्ट।
ओके सो यस, इस क्वेश्चन में हमारे पास थ्री डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स है. सो यहाँ पर थ्री हमारे पास थ्री डिफरेंट सैंपल ग्रुप्स है. दैट्स वाई हम इस टेस्ट को और इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे. सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एनोवा टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस फर्स्ट, टेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन शू ब्रांड नाइक एडिडास सॉकनी हुका एंड द रेस फिनिश टाइम्स इन अ मैराथन. सेकेंड हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन शू ब्रांड रनर एज ग्रुप जूनियर सीनियर मास्टर्स and race finishing times in a marathon. Which test would the researcher use to test this hypothesis? So students, इस क्वेश्चन में हमें दो हाइपोथेसिस गिवन है. सो इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर किस टेस्ट का यूज करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, हाइपोथेसिस फर्स्ट एंड सेकेंड में हमें शू ब्रांड्स गिवन है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शू ब्रांड्स गिवन है, जैसे नाइक, एडिडास, सॉकनी, हुका. तो यहाँ पर हमारे पास जो सैंपल ग्रुप्स है, सैंपल ग्रुप्स जो है ये तीन है और तीन से ज्यादा है. ओके, जैसे चार है यहाँ पर, मीन्स तीन से ज्यादा है. जब भी हमारे पास सैंपल ग्रुप तीन से ज्यादा होते हैं, तो हमें पता है उस केस में हम एनोवा टेस्ट यूज करते हैं. ओके, तो यहाँ पर तो ये श्योर है कि इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्च एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे. ओके, तो रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनोवा टेस्ट के भी दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप होता है वन वे एनोवा टेस्ट और द सेकेंड इज टू वे एनोवा टेस्ट. वन वे एनोवा टेस्ट में आपके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और टू वे एनोवा टेस्ट में आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. ओके, सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट हाइपोथेसिस में आपको गिवन है कि आपको ये फाइंड आउट करना है, टेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन शू ब्रांड एंड रेस फिनिश टाइम. सो यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा शू ब्रांड. ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा रेस फिनिश टाइम. बिकॉज हमें यह देखना है कि कौन से ब्रांड का अगर हम शूज पहनते तो हम जो रेस है उसको जल्दी कम टाइम में हम फिनिश कर सके. ओके, सो यहाँ पर शू ब्रांड आपका इंडिपेंडेंट होगा और रेस फिनिश टाइम आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. सो यहाँ पर वन वे एनोवा टेस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं. ओके, सो यहाँ पर हाइपोथेसिस वन आपका क्या हो जाएगा, वन वे एनोवा टेस्ट. सो यहाँ पर हाइपोथेसिस फर्स्ट को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर वन वे एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे. अब टू वे एनोवा टेस्ट क्या होता है, जहां पर आपके पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो, टेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन शू ब्रांड. ओके, सो यहाँ पर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, शू ब्रांड. ओके, ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया आपका इंडिपेंडेंट, एंड द सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रनर एज ग्रुप. ओके, यहाँ पर रनर एज ग्रुप भी आपको गिवन है, जो कि आपका सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, शू ब्रांड और रनर एज ग्रुप जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनका इफेक्ट देख रहे हो कि रेस फिनिशिंग टाइम पर क्या हो रहा है. सो यहाँ पर भी आपका जो रेस फिनिशिंग टाइम है, रेस फिनिशिंग टाइम, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो, हाइपोथेसिस सेकेंड में आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. सो जब भी आपको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होंगे, सो उस केस में आप टू वे एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप टू वे एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे. सो यहाँ पर फर्स्ट हाइपोथेसिस को आपको टेस्ट करने के लिए आप वन वे एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, विच इज शू ब्रांड. और सेकेंड हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर यहाँ पर टू वे एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, विच आर शू ब्रांड एंड रनर एज ग्रुप. ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वन वे एनोवा फॉर फर्स्ट एंड टू वे एनोवा फॉर सेकेंड हाइपोथेसिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काई स्क्वायर टेस्ट इज. सो इस क्वेश्चन में हमें काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है फाइंड आउट करना है. सो काई स्क्वायर टेस्ट इज नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है. सो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर
नॉर्मल नहीं होता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. काय स्क्वायर टेस्ट में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम अज्यूम करते हैं वो नॉर्मल नहीं होता है. ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है. सो काय स्क्वायर टेस्ट, हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज काय स्क्वायर टेस्ट ये एक नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्ट होता है. देन ऑप्शन बी, यूज टू कंपेयर ऑब्जर्व रिजल्ट विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट. सो हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज काय स्क्वायर टेस्ट का हम यूज करते हैं ऑब्जर्व रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए. ओके, तो यहाँ पर जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यहाँ पर रिसर्चर को देखना है कि एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर एक दिन में कितने लोग ट्रेवल करते हैं. ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर ने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि एक दिन में हो सकता है कि 10,000 लोग ट्रेवल करते हैं, बट ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है. ओके, और ऑब्जर्व वैल्यू क्या निकलेगी, ये रिसर्चर यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि रियल वैल्यू ये निकलेगी कि इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर एक दिन में 50,000 लोग ट्रेवल कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर काय स्क्वायर टेस्ट बेसिकली कंपेयर करता है ऑब्जर्व रिजल्ट विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर रिलेटेड विद काय स्क्वायर टेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट मैन विटनी यू टेस्ट. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है अबाउट मैन विटनी यू टेस्ट. ओके, सो यहाँ पर भी मैन विटनी यू टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, जहां पर हम पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हैं. ओके, सो यहाँ पर मैन विटनी यू टेस्ट जो होता है इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और मैन विटनी यू टेस्ट ये एक और ये टी टेस्ट की तरह ही होता है. बस मैन विटनी यू टेस्ट और टी टेस्ट में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि टी टेस्ट में हम पॉपुलेशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल अज्यूम करते हैं, और मैन विटनी यू टेस्ट में हम पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हैं. ओके, सो यहाँ पर दिस इज नोन एज नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ टी टेस्ट. सो यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट है अबाउट मैन विटनी यू टेस्ट. देन ऑप्शन सी हमें क्या गिवन है, सैंपल साइज इज स्मॉल एंड यूज टू कंपेयर टू सैंपल ग्रुप. ओके, सो यस, बिकॉज मैन विटनी यू टेस्ट और टी टेस्ट दोनों भी सेम ही होते हैं. सो जैसा कि हमने देखा था, टी टेस्ट में सैंपल साइज जो होता है हमारा वो स्मॉल होता है. सो मैन विटनी यू टेस्ट में भी हमारा जो सैंपल साइज होता है वो स्मॉल होता है, और हम इसको यूज करते हैं, मैन विटनी यू टेस्ट को यूज करते हैं ताकि हम दो सैंपल ग्रुप्स को कंपेयर कर सके, और टी टेस्ट में भी हम सेम यही करते हैं. ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा अबाउट मैन विटनी यू टेस्ट. बट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है अबाउट मैन विटनी यू टेस्ट. सो यहाँ पर देख रहे हो आप, ऑप्शन ए बी एंड सी ये तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है अबाउट मैन विटनी यू टेस्ट. सो यहाँ पर एक भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं है अबाउट मैन विटनी यू टेस्ट. तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद क्रुशिकल वैलीज एच टेस्ट. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें क्रुशिकल वैलीज एच टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक गिवन है. ओके, सो क्रुशिकल वैलीज एच टेस्ट भी ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, जहां पर हम पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हैं. सो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, और इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रुशिकल वैलीज एच टेस्ट. अब क्रुशिकल वैलीज एच टेस्ट ये होता है एक्सटेंशन ऑफ मैन विटनी यू टेस्ट. जैसे कि हमने देखा था, मैन विटनी यू टेस्ट में हम दो सैंपल ग्रुप्स पर स्टडी करते हैं. ओके, और क्रुशिकल वैलीज एच टेस्ट में हम दो से ज्यादा सैंपल ग्रुप्स पर टेस्ट करते हैं. सो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. देन क्रुशिकल वैलीज एच टेस्ट भी वन वे एनोवा की तरह ही काम करता है, जहां पर हमने देखा था वन वे एनोवा में हम मोर देन टू सैंपल्स ग्रुप पर स्टडी करते हैं. सो क्रुशिकल वैलीज एच टेस्ट में भी हम मोर देन टू सैंपल ग्रुप्स पर टेस्ट करते हैं. बस क्रुशिकल वैलीज टेस्ट में और वन वे एनोवा टेस्ट में एक ही डिफरेंस होता है कि वन वे एनोवा टेस्ट आपका पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और
क्रुस्कल वैलिस एस्टेस आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। ओके सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट है और इट इज नोन एज वन वे एनोवा इज पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ दिस टेस्ट। ओके सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक है क्रुस्कल वैलिस एज टेस्ट के। सो स्टूडेंट्स आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज क्लियर टू एवरीवन। कल के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।